इसीलिए मैं खेसारी लाल जी को काफी पसंद करता हूँ, क्योंकि ये क्वालिटी उनके अंदर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, खेसारी लाल जी से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, आप जाकर देख लेना, जबरदस्ती भी नहीं है भाई। मेरे खेसारी लाल जी का एक क्वालिटी बड़ा अच्छा है, क्वालिटी ऐसा है कि वो सबको बैलेंस करके चलते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया खेसारी लाल जी से कि काजल राजवाड़ी ने आपके ऊपर ऐसा ऐसा बोला है तो आप क्या बोलना चाहोगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि काजल भी बड़ी प्यारी है और मेरी को एक्टर है। उन्होंने क्या बोला, क्या बोलती है, उससे मुझे कुछ नहीं जाता। मेरा जीने का स्टाइल अलग है, मेरा समाज को हैंडल करने का स्टाइल अलग है, काजल जी समाज को अलग तरीके से हैंडल करती है। तो ये अपना अपना क्वालिटी होता है। एक बात तो बड़ा अच्छा लगा, इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए खेसारी लाल जी ने कहा कि मेरी पत्नी है, पत्नी के साथ क्या झगड़ा नहीं होता है, तो क्या मैं पत्नी को छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ये लोग प्यारे लोग हैं। आज झगड़ा हुआ है, आज कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, लेकिन पहले भी काम करते थे, आज भी वो सुपरस्टार है और आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं काम करूँगा। तो यही क्वालिटी होती है जो सबको बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि एक बात है भाई, पेड़ में ना फल लगा हुआ है तो पेड़ हमेशा झुक के रहेगा, और जिस पेड़ में फल नहीं लगा रहता वो हमेशा तन के रहता है, हमेशा दिखाएगा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताओ खेसारी लाल जी के क्वालिटीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, कैसे इंसान है, आपको क्या लगता है। तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।